मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा ड्रामा बन रहा है। इसका टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें सोशल मैसेजिंग काफ़ी स्ट्रांग है और इसमें जो अच्छी बात है वो चीज़ें बात की जा रही जो लोग नहीं टच करना चाह रहे ना, जैसे फॉर इंस्टेंस हरासमेंट ऑन सोशल मीडिया एंड ऑल, वो बातें आ रही हैं इसमें जो बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो जवान नौजवान लड़कियाँ जो है ना उनको ये चीज़ दिखाना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज आजकल उनको वो नहीं पता कि क्या बाउंड्रीज हैं सोशल मीडिया की। दूसरा ये कि इसकी मुझे ओवरऑल फ्लेवर बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज इसमें दो तीन मुख्तलिफ घर जो दिखाए हुए हैं वो इन फैक्ट आई टेल यू समथिंग रियली इंटरेस्टिंग, आई वॉज आस्क्ड टू डू द रोल ऑफ द दर्जन। तो जब ये इसकी सारी लाइनअप हो रहा था तो जो दर्जन का जो राबिया नुमा राबिया आबिद अली ने किया है एंड शी डन अ ब्यूटीफुल जॉब, तो और मुझे राबिया की आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है, मैं उनको बार बार कहती हूँ कि लगता है जैसे आप गा रही हैं, सिंग सॉन्ग टाइप आवाज़ है ना, तो वो जो रोल है वो मुझे ऑफर किया गया था पिछले साल इन्होंने एंड मेरी डेट्स नहीं थी, तो उन्होंने कहा था एक आप बड़े वो अपनी आंखों को बना के दर्जन, आई थॉट बड़ा एक्साइटिंग राइट। तो आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग अफिलिएशन विद दिस प्रोजेक्ट। उसमें यह है कि मुझे जो जो एक्टर्स ने अपने आप को जैसे जाहिद ने जो चेंज किया अपने आप को इसमें बड़ा अच्छा लगा, कमाल कमाल, और असफर जो काम कर रहे हैं ओवरऑल, आई फाइंड कि ओवरऑल इसका एक मूड बड़ा अच्छा लग रहा है, सो आई एम एंजॉयिंग इट सो फार। रुबीना, फॉर मी वंस अगेन हम टीवी विंस विद दिस टॉपिक। हम टीवी एंड मोमल अगेन, तिनके का सहारा वाज मोमल एंड देयर वाज अनदर वन दैट आई थिंक इज प्यार के साथ के हमारा था नहीं और भी जब जब से हमने शो शुरू किया हमेशा हम हमेशा शुरू करती है। हां सो दिस इज अ वन ऑफ बाय बिकॉज़ ऑफ द टॉपिक। एक बात जो हम हमेशा से कहते हैं रिश्तों के मामले में और लड़कियों के रिश्तों के मामले में कि रेड फ्लैग्स को देखना चाहिए है उनको, यू नो वॉच आउट फॉर द रेड फ्लैग्स, इसमें वो बात बहुत खूबसूरत तरीके से की है, फिर उस पर भाभी के जरिए एलेबरेट किया है, फिर उसको इतने प्यारे तरीके से लिखा गया है और डायरेक्ट भी किया गया है और एक्ट आउट भी किया गया है, दैट आई थिंक it won my heart. Nadia, gripping, I think it's gripping, gripping. बिल्कुल gripping है, और मुझे ये इतना और कितना ज़रूरी टॉपिक है, मतलब इस पर जितना हम देंस और इट्स नॉट इनफ हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि हमारी बच्चियाँ जो हैं इनको समझ आए कि और लड़के भी लड़के लड़कियाँ दोनों को समझ आए कि सोशल मीडिया कितना डेंजरस हो सकता है और ट्रस्ट जो है ना एतबार उसकी बाउंड्रीज जो कहती भी है कि आदमी और औरत के बीच में एक पर्दा होना चाहिए, एक जो वो बाउंड्री है ना और जो एतबार है वो हम नहीं, जहाँ आपकी जिस्म का सवाल आता है उधर यू हैव टू मेक योर बाउंड्रीज नथिंग, आई मीन दैट्स इट्स जस्ट, और ये इतना ज़्यादा हो रहा है आजकल, और मतलब इट आई नो कि दीज 20-year-olds 19-year-olds आजकल आर मेकिंग वीडियोस ट्रस्टिंग यू नो बॉयज ट्रस्टिंग गर्ल्स, और अभी अभी तक उन्होंने सिर्फ हिंट दिया है लेकिन इतनी ग्रिपिंग ऐसी स्टोरी कि अभी तक कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं ड्रामे के अंदर, लेकिन यू नो कि ऐसा कुछ होने वाला है और ये चीज ग्रिप कर रही है, नो कि यू नो किंजा हाशमीज एक्सप्रेशंस हैव बीन रियली गुड शोइंग हर, मुझे सिर्फ ये है कि आई विश शी डिडंट शी वाजंट सो ब्यूटीफुली ब्लो ड्राइड एंड परफेक्टली इमैक्युलेटली मेड अप इन एवरी सीन, बिकॉज जो उनकी परेशानी है वो मजीद और वाजे होती। आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट। ओके ग्रेट, राइटिंग की बात कर ली जाए, अथिका मुझे बहुत अच्छा लगा है, आई लाइक इट, उसकी राइटिंग बड़ी अच्छी है, इसके कैरेक्टर्स बड़े स्ट्रांगली डिवेलप्ड हैं और वो रिच एंड पोर वाला जो सारा सिलसिला है वो बड़ा अच्छा है, और उसके हवाले से आई फील ऑल्सो के जुमलेबाजी भी अच्छी है, लाइक यू नो आपको पता चल रहा है लोगों के जहाँ बहन भाई की जुमलेबाजी, जहाँ पे वो कहते हैं कि भाई तुम बेवा से करोगी इसकी शादी, मेरे लिए एक अगर एक रंडवा ढूंढ लिया है तो क्या अपने बेटे की शादी बेवा से करोगी, वेरी लॉजिकल। दूसरा पता है एक और चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है इसकी, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, आप इसको लिखते कैसे और डायरेक्ट कैसे करते हैं ये ट्रिकी चीज होती है, बिकॉज आप इसको बहुत वल्गर भी कर सकते हैं, वल्गर बना सकते हैं या फिर सेंसिटिविटी में अगर करें तो ये फिर लोगों को हजम भी हो जाता है ना, सो दीज सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स आई एम ग्लैड टू सी कि ऐसे जो ये बातें हैं अब निकल रही हैं, एंड आई थिंक आई वुड गिव द राइटर फॉर हैंडलिंग सच अ सेंसिटिव टॉपिक ऑफ अ गर्ल, वो वनरेबिलिटी और उसके साथ क्या होने लगा और इंटरेस्ट भी है कि वो आगे क्या होगा, सो द राइटिंग इज क्वाइट इंटेलिजेंट, आई वुड गिव एन 8। दिस इज समीरा राइटिंग, सो यू कांट डिनाई द क्राफ्ट ऑफ दिस वुमन। जितने सीन उस लड़के के हैं टेलीफोन पे, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन जो दुनिया की सबसे बोरिंग कॉन्वर्सेशन होती है,
उसमें अगर आपको उस लड़की की बेबसी और उस लड़के की बहुत चलाकी से मनूवर करके अपनी ख्वाहिश उससे पूरी करवाना और जो साइकोटिक ट्रेट्स हैं उसके गूज बम्स दे रहा है, देयर इज समबडी बिहाइंड इट एंड दैट्स एब्सोल्युटली द राइटर. आई विल गिव समीरा फजल फॉर दीज थ्री एपिसोड्स. आई एम सेइंग फॉर दीज टू थ्री एपिसोड्स ओनली. मैं नंबर रोक रही हूं क्योंकि मुझे पता है ये समीरा फजल है. एट एट में रोक रही हैं, सोचे आगे कहां जाएंगे. हां क्योंकि रखे हैं ना पास कुछ, फिर क्या करूंगी, फिर वही अगला चार्ट बनवाना पड़ जाएगा. आई थिंक इट्स लाइक क्योंकि दो तीन चीजें जो मैं कहना चाहूंगा, जो असफर की जो वो नार्सिसिस्ट है पता चल गया है, उसका पर्सनालिटी ट्रेड है और वो किस तरह से कर रहा है, और हमने इर्द गिर्द ऐसे लोग देखे हुए हैं, उन्होंने बहुत इंटेलिजेंटली उसको भी इनकॉर्पोरेट किया. और फिर दूसरा जो बहन भाई का जो आपस में बात होती है वो बहुत जबरदस्त है, रियल है, रियल है. आई थिंक एक राइटर ने फिलहाल एक कहानी में अमीरी गरीबी का थीम कि किस तरह अमीर लोग बात करते हैं, किस बदतमीजी से बात करते हैं, सोशल मीडिया और ये वल्गर वीडियोस का थीम किस तरह लड़के लड़कियों को इस्तेमाल किया जाता है और उनकी इज्जत यू नो इस तरह तबाह हो जाती है, यहाँ तक कि सुसाइडल हो जाते हैं. उसके बाद साइकोलॉजिकल नार्सिसिज्म की थीम कि एक नार्सिसिस्ट, अगर आप एक नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में हैं आपके साथ होता क्या है, और एक नार्सिसिस्ट कितना मतलब इतना जहरीला होता है क्योंकि वो औरत या मर्द आपके दिमाग में चला जाता है. राइटिंग के नंबर 9 वेरी गुड. डायरेक्शन अहमद कामरान. आई वर्क विद अहमद कामरान, ही इज अ गुड डायरेक्टर, बहुत वो डिफिकल्ट डायरेक्टर, लेकिन उनकी मेरी अच्छी बनी, शुक्र है लगा. बट हार्डर देन अदर्स, बट ये है कि बहुत अच्छा है अहमद. अहमद अगर आप देख रहे हैं, आपने बड़ा अच्छा काम किया इसके साथ. आई एम एंजॉयिंग द स्क्रीन, मुझे ट्रैक्स का बड़ा मज़ा आ रहा है. दूसरा अहमद ने बहुत अच्छा हैंडल किया है जाहिद का कैरेक्टर, कमाल जो जाहिद के कैरेक्टर निकलवाया है. जो अगेन वी टॉक अबाउट डायरेक्टर्स टेकिंग वर्क आउट ऑफ एक्टर्स, राइट, तो फ्रेम्स ही बड़े अच्छे हैं. वो जो दर्जन की दुकान है वो भी बड़ी अच्छी लग रही है मुझे. बिल्कुल, आई एम एंजॉयिंग दैट दुकान, यू नो, ऑल्दो इट्स अ वेरी स्मॉल छोटा, बट सो आई थिंक अहमद कामरान ने बहुत अच्छे फ्रेम्स बनाए और ओवरऑल मूड बड़ा अच्छा एस्टेब्लिश सोफा कर लिया है. आई विल गिव अहमद एन 8. एक्सीलेंट जॉब. आप? आई विल गिव अहमद क्रेडिट फॉर द फैक्ट कि वो ओवरबोर्ड ही नहीं गया किसी भी चीज़ के साथ. उसने सिंपलिस्टिक रखा है, उसने सिर्फ राइटिंग को सपोर्ट किया है एज अ डायरेक्टर. उसने कहीं कोई उसमें गिमिक्री या कुछ डालने की ज्यादा कोशिश, स्लो मोशन नहीं है कहीं भी. हाँ, कहीं भी कोई गिमिक्री नहीं. वेरी रियलिस्टिक प्ले. हाँ, उसने उसको रियलिस्टिकली प्ले किया है हर जगह. जहाँ मैं थोड़ा सा अहमद को पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, वो जगह है कि प्लीज़ डायरेक्टर्स एक्सरसाइज योर राइट ऑफ बीइंग अ डायरेक्टर विद एक्टर्स जहाँ ज़रूरत पड़े. जैसे वो सीन जहाँ पे वो लड़की ने सुन लिया कि ये किसी और लड़की के साथ हुआ, कि उसकी ऐसी वीडियो कोई वायरल हो गई, और ये होता है कि वो आप लड़के रिकॉर्ड कर लेते हैं, और क्या क़यामत उस लड़की के दिमाग में और दिल में गुजरी होगी. वहाँ अगर एक्टर चूक गया था तो राइटर को अपना ये राइट एक्सरसाइज करना था कि यू हैव टू लुक डिफरेंट फ्रॉम द सीन बिफोर. अपना हाइलाइटर कम से कम कम कर दो, या अपनी ब्रॉन्जर वाली लिपस्टिक थोड़ी सी कम कर दो, कुछ भी, बट जस्ट डोंट लुक द सेम एज द लास्ट सीन. सो अहमद का एक नंबर कट गया है, वरना 8 थे. किंजा के मेकअप पे 7 नादिया. आई थिंक आई एग्री विद बोथ रुबीना जी एंड नतीका के एक तो माहौल बहुत खूबसूरती से बनाया है. चूँकि ये इतना रियलिस्टिक जा रहा है, यहाँ तक कि जाहिद का गेटअप और इतना खूबसूरत परफॉर्मेंस और तमाम लोगों का भी एक यू नो सॉलिड परफॉर्मेंस, उस लिहाज से आई थिंक आई एग्री विद रुबीना जी के परफॉर्मेंस आप निकालें और आप रोकें अपने एक्टर को. मुझे बहुत बार कहा गया है लिपस्टिक उतार के आओ,
मुझे बहुत बार कहा गया है यू नो अब बाल बांध के आओ, और बहुत बार ये भी कहा गया है नादिया हमें कि लिपस्टिक लगा लें, और हमने कहा नहीं बिल्कुल इस जगह नहीं लग सकती, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, तुम क्या बात कर रहे हो, आई एम द कैरेक्टर, आई नो मोर, सो आई वुड गिव या तो मैं बहुत सी चीजें किंजा के साथ देख रही हूँ, कुछ टेलीफिल्म में भी किंजा थी, वो भी देखी है और हुक में भी हैं, मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक वो एक दो ही टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस इस्तेमाल करती हैं, आई वुड एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम हर, शी इज़ अ प्रिटी गर्ल एंड आई थिंक शी हैज़ पोटेंशियल, लेकिन शी स्टिल हैज़ टू वर्क ऑन द क्राफ्ट साइड ऑफ इट, सो आई थिंक आई वुड गिव किंजा फॉर दिस राइट नाउ अ सिक्स, सिक्स, आई टोटली एग्री विद हर, और किंजा के नंबर जाहिर है उसी सीन पे कटे हैं जहाँ उसके पास एकदम से हमें स्टन करने का मार्जिन था, तो सिक्स, सिक्स, नादिया अच्छा आए किंजा के जो शुरू के एपिसोड थे ना, मुझे उसमें कोई कशिश, आई डिडंट फील एनी पुल उनकी एक्टिंग से एट ऑल, बहुत प्यारी हैं लेकिन मैं कभी किसी के प्यारेपन पे नहीं जाती, मैं हमेशा परफॉर्मेंस की तरफ देखती हूँ कि वो कैरेक्टर में कैरेक्टर कैसे बना रहे हैं, रिश्ते कैसे बना रहे हैं, आई वुड लाइक टू गिव हर फ्रॉम वेरी टॉन बिटवीन वेरी टॉन वेरी टॉन जो हमने मेरे बन जाओ के किए हैं। अब जी मेल कैटेगरी की तरफ चलते हैं, अश्वर का भी बहुत अच्छा काम था और अहमद जाहिद अहमद का भी बहुत अच्छा काम था, तो हमने जाहिद अहमद को इस हमने जाहिद अहमद को इसलिए सिलेक्ट किया है टू टॉक अबाउट क्योंकि जाहिद ने जो काम किया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग काम किया है, ही इज़ वेरी गुड एट डेवलपिंग अ कैरेक्टर एंड नोइंग उसकी बॉडी लैंग्वेज में कैसे जाना है हमने, सो आई लाइक व्हाट जाहिद हैज डन विद द कैरेक्टर, आई एम गोइंग टू गिव हिम अ 9, वाओ आई थिंक वेल डिजर्व, वेल कमाल की परफॉर्मेंस है कैरेक्टर में गए आप, जाहिद ने सारा काम बहुत अच्छा किया है अपना, बिकॉज जाहिद इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्टर, वो कैरेक्टर बनाना जानता है, वो उस कैरेक्टर को ले कर चलना जानता है, उसने डायलॉग बहुत अच्छा कैरी किया है, मैं जाहिद को दे रही हूँ 6, 6 नादिया, लेकिन मुझे लगता है हर प्ले में ना एक फील गुड फैक्टर होता है जिसकी वजह से मैं यू नो यू वॉन्ट टू टर्न दैट स्क्रीन ऑन, एंड फॉर मी दैट फील गुड फैक्टर इज़ जाहिद, मैं वैसे भी जाहिद की बहुत बड़ी फैन हूँ, हम सब हैं, इंतहाई वर्सटाइल हैं और इसमें इतना बंदे को उस कैरेक्टर को देख के इतना मज़ा आता है कि इतने उसने कैरेक्टराइजेशन ब्यूटीफुली की है कि आप भूल जाते हैं ये जाहिद है, आई वुड लाइक टू गिव जाहिद 9, नो आई थिंक जाहिद इज़ ऑन वेरी वेल,